لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين اللهم على محمد महमदुआ محمد وعجل अल्ला महमदूल महमद्ज़रज السلام عليكم अलमकुम الله وبركاته उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी इस सिलसिले की शुरुआत को और इस वीडियो को सुन रहे हैं देख रहे हैं आप बखैर व आफ़ियत होंगे और इस दर्स से जो आपके सामने पेश किया जा रहा है बेहतरीन तरीक़े से उससे इसफ़ाद करेंगे आज इस जलसे में जो आपके सामने पेश किया जा रहा है किताब आदाबलमतम की शुरुआत की जा रही है किताब उन किताबों में से है जो हौज़ इलमिया की कुतुब में से अहम तरीन किताब और तमाम कुत्त पर एक मुक़दम किताब है क्यों मुक़दम किताब है क्योंकि ये एक, एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर उस अखलाक पर गुफगू होती है उन तौर तरीक़ों पर गुफगु होती है उन बातों पर गुफगू होती है कि जो आपको हौजे में शुरू से लेके आखिर तक के आपके काम आने वाले हैं हालाँकि ये किताब अपने आप में बहुत ही खुलासा और बहुत ही मुख्तसर किताब है और इसके बाद मिसाल के तौर पर मुनीतुलमरीद या उसके बाद दूसरी अहादीस की किताबें कि जिनके ज़रिए से अखलाकी मबास को अखलाकी गुफ्तू और अखलाकी तालीमत को अहादीस से क़ुरान से अखज़ किया जाता है वो मदनज़र होती हैं लेकिन इस किताब को इसके अख्तसार के मद्दनज़र आम तौर से सामने रखा जाता है आम तौर से इसको पेश किया जाता है आम तौर से इसको पढ़ा जाता है ताकि तलाब शुरू में कम से कम एक मुख्तसर तौर पर ही सही कम से कम सरसरी तौर पर सही वो उस इल्म दीन के अखलाक से आशना हो जाए हालाँकि क्योंकि ये किताब एक अखलाकी किताब है इसके अंदर हम लोग आदाबलमतिन को आपके सामने बयान करेंगे इस किताब के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा शख्स आपके सामने आकर बयान करे जो ख़ुद मतखलक बे अखलाक हो जो ख़ुद एक मुखलिक हो अपने तमाम और कामिल माना में हो सकता है मैं इस काम के लिए अहल ना हूँ और मुझे भी इस सिलसिले में और तरक्की और आगे बढ़ने की ज़रूरत हो लेकिन क्योंकि एक दरसी सिलसिला आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और क्योंकि हुक्म किया गया है लिहाजा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला अपने गैब से अपने इल्म इलाही से अपने फ़ल्ल करम से हम लोगों के ऊपर इस दर्स के अंदर कि जो आप मेरी बात को सुन रहे हैं और मैं अपनी बात को बयान कर रहा हूँ इस इलाही से उस फजल इलाही से हम लोग यहाँ पर मुस्तीज़ हों ताकि हम लोग इस दर्स से बना हुए अहसन इस्ता कर सकें यहाँ से गुफ्तु को शुरू करते हैं कि जाहिर सी बात है इंसान जो तलब इल्म करता है ये इसके ऊपर किस किसवान से इसको देखा जा सकता है इंसान के ऊपर जितनी भी चीज़ें वाजिब होती हैं या ये वाजिब ऐनी होती हैं या ये वाजिब किफाई होती वाजिब ऐनी वो चीज़ें होती हैं कि जो किसी एक शख़्स के ऊपर वाजिब अगर हैं Osionfish. तो दूसरे शख्स तो के ऊपर से हट नहीं जाती है। हैं या आप इस तरीके से कह सकते हैं वाजिब ी और किफाई के दो पहलू होते हैं एक पहलू वो होता है कि जहाँ पर वजूब है वाजिब ी और किफाई के अंदर वजूब सब के ऊपर होता है ऐसा नहीं है, है।, है कि वाजिब ी किसी एक पर वाजिब है और दूसरे पर नहीं है नहीं सब के ऊपर वाजिब है वाजब किफाई जो, जो है वो भी सबके ऊपर वाजिब है ऐसा नहीं है कि वाजब किफाई मुझ पर वाजिब है और आपके ऊपर वाजिब नहीं है सबके ऊपर वाजिब है लेकिन इस वाजिब के इम्तिसाल के बनिस्पत, इस वाजिब के सुकूत की बनिस्पत, ये वाजिब कब कामिल हो जाता है वाजिब ऐनी के अंदर हर फर्द को इस वाजिब के ऊपर अमल करना होता है तब वो कामिल होता है लेकिन वाजिब किफाई के अंदर कुछ लोग उसके ऊपर अगर अमल कर लें तो बाकी के ऊपर से ये वाजिब क्या हो जाता है साक़त हो जाता है इल्म का हासिल करना ख़ास से इल्म दीन इल्म दीन का हासिल करना क्या है वाजब किफ़ाई है इसके हवाले से कुरान के अंदर इशाद फ़रमाता है कि फ़ल उ नफ़र आए नफ़र आपके सामने मौजूद है कि जिसमें अल्लाह तशात फ़रमाता है फ़लाउलाद के अंदर एक मकमल एक सिस्टम बयान किया गया है कि देखिए आपके ऊपर क्या वाजिब है आपके ऊपर वाजिब है कि आप में से कुछ गुरोह आए हर एक गुरोह में से कुछ लोग आए कि जो आकर दीन इल्म दीन हासिल करें क्यों इल्म दीन हासिल करें ताकि इल्म दीन हासिल करने के बाद अपनी कौम की तरफ जाकर इस इल्म दीन के पैगाम को पहुँचाएँ इस, इस इल्म दीन की बात को पहुँचाएँ और आप जब इस दीन की बात को पहुँचाएँगे तो वहाँ पर इस इल्म दीन की पहुँचाने के बाद जो आपकी मुखातब अवाम है वो अल्लाह ताला के पैगाम से यह दरून यानी अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है कि जो गुनाहों से दूरी की बात हो रही है तो वो उससे दूर हो जाएँ अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है कि जहाँ पर किसी अमल की बनस्पत नस्बत दिलाई जा रही है तो वो रगबत हासिल करके उस अमल को अंजाम दें लिहाजा इल्म दीन हर इंसान पर वाजिब है वाजब किफाई है वाजब किफाई है इसका मतलब क्या है यानी अगर कुछ लोग उठ कर आ गए हैं कुछ लोग उठ कर आगे आ गए हैं उन्होंने कहा है कि हम इल्म दीन को हासिल करेंगे तो ये इल्म दीन का हासिल करना बाकियों के ऊपर से साखित हो जाता है यानी कुछ लोग अगर इसको अंजाम मिसाल के तौर पे आप अगर फर्ज कीजिए कोई एक ऐसी मैत है एक जनाजा है आपके सामने रखा हुआ है जनाजे को कफन पहनाना जनाजे को दफन करना यह किसके ऊपर वाजिब है इस सबके ऊपर वाजिब है लेकिन अगर कुछ लोग उसको आकर जनाजे को कफ़न पहना कर उसको दफन कर दें तो बाकियों के ऊपर से ये वाजिब क्या हो जाता है हट जाता है बल्कि ये वाजिब एक तरीके से इसकी इमतसाल हो गई है इसके अंदर अल्लाह ताला का मकसद ये है कि वो काम अंजाम पजीर हो जाए ज़रूरी नहीं है इसके अंदर आप ही आकर ये काम करें अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर इस मैयत को अगर एक बार दफन कर दिया गया तो हम दोबारा मैत को बाहर निकालें क्योंकि हमारे ऊपर भी वाजब था कि हम दफन करें तो लिहाजा से दोबारा दफन करें नहीं ऐसा नहीं है बल्कि वाजब किफाई है दीन हासिल करना भी वाजब किफाई है अब वजूद से जब हम आगे बढ़ते हैं जब हमें ये मालूम हो गया कि ये वाजिब किफाई है अब एक इंसान आता है वाजिब किफाई के ऊपर अमल करने के लिए आकर क्या करता है कदम आगे बढ़ाता है आता है हौजिया में जहाँ पर इल्म दिन को हासिल करने के लिए वो आगे बढ़ रहा है आकर देखता है आयात क्या बताती हैं तफसरों के अंदर आयात के बारे में क्या बयान हुआ है आकर देखता है कि अहदीस क्या बयान कर रही हैं उसके अंदर क्या बयान किया गया है तो अब जो उसकी जो काविश है उसका जो अमल है इसकी क्या फज़ीलत है इसके हवाले से भी बहुत सी हदीसें हैं यानी अब जब इंसान आ गया है अल्लाह के रास्ते में कि जो जहमत करके इल्म दीन को हासिल कर रहा है तो अब वो मरल है कि जहाँ पर इसकी फजीलत को बहुत बयान किया गया है एक हदीस को तय मुन और तबरुकन में आपके सामने पढ़ रहा हूँ मिसाल के तौर पर इमाम इरशाद फरमाते हैं कि तलब वखौदल। 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 आप देखें कितनी शदीद ताबीर है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि तलब इल्म में कितना सवाब है कितना फ़ायदा है और क्या उसकी हकीक़त है तो लोग हती एक दूसरे के साथ जंग और ख़ून रेजी करके भी आकर तलब इल्म करेंगे यानी आपस में जंग करेंगे कि हम जाएंगे तलब इल्म के लिए वो कहेगा हम जाएंगे तलब इल्म के लिए तो देखें और बाकी जितनी भी रिवायतें हैं वो आपके सामने मौजूद हैं और आपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ मकामा पर वो अहदीस और वो बातें ज़रूर सुनी होंगी कि जहाँ आलिम और जाहिल का आपस में कोई मुकायसा नहीं है अगर जाहिल आकर आबिद भी बन जाता है तो उसका एक आलिम से मुकायसा नहीं है तो लिहाजा तलब इल्म हमारे लिए एक ऐसा मकसद है इसके ऊपर मुझे और तोज़ी और रोशनी नहीं डालनी है क्योंकि हम लोग की इस किताब की एक फसल भी इसी हवाले से मुकमल मखसूस है कि जिसके अंदर इंशाल्लाह आपके सामने और वजाहत पेश की जाएगी अब बढ़ते हैं इस चीज़ की तरफ कि तलब इल्म, दूसरे तमाम कामों के मानंद इसकी कुछ प्रपरेशन होती हैं इसकी कुछ तैयारियाँ होती हैं अगर आप कहें मिसाल के तौर पर आपको हज पर जाना है हज पर जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कैसे तैयार होंगे आप जाएंगे मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ आप खुद मक्के में अगर नहीं रह रहे हैं तो आप जाएंगे अपने लिए पासपोर्ट बनवाएंगे अपने लिए टिकट खरीदेंगे अपने रास्ते का सामान फरहम करेंगे इंतजाम करेंगे फिर जाकर हज अंजाम देंगे अगर आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे तो इस तरीके से है कि किन्हू आपने हज अंजाम नहीं दिया है अगर आप कहें भाई पासपोर्ट मैं नहीं बनवाऊंगा लेकिन मैं हज करना चाहता हूं तो ये इस तरीके से है कि आप हज वाक सही माना में सीरियस तौर पे उसको हज हाँ अंजाम नहीं देना चाहते हैं अगर आप सीरियस होंगे तो आप कहेंगे अगर पासपोर्ट उसकी ज़रूरत है तो मैं इस काम को अंजाम दूंगा अगर नमाज के लिए वज़ु एक मुकदमा है तो अगर मैं बग़ैर वज़ु के नमाज के लिए खड़ा हो जाऊँगा तो नमाज़ कामिल नहीं है इसका मतलब मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वज़ु उसका मुकदमा है तो लिहाजा इस बात को जान लीजिए कि अगर मुकदमात सही तरीक़े से तय ना हों तो इंसान सही मंजिल पर नहीं पहुँचता है अगर मुकदमात सही तरीके से अंजाम न पाएँ तो इंसान का जो हकीकी मकसद होता है वो पामाल हो जाता है अगर तलब इल्म आपका मकसद है और आपका हकीकी हदफ है तो आपको इस मकसद के लिए कुछ मुकदमात तय करने पड़ेंगे अगर आप मुकदमात तय नहीं करेंगे तो आपका तलब इल्म भी एक तरीके से क्या हो जाएगा एक तरीके से अबस काम हो जाएगा आप मुकदमा तय कर नहीं हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि नहीं मुझे बेहतरीन इल्म बेहतरीन जो तालीमत हैं वो उस तक के पहुँच जाए क्योंकि इल्म की कैफियत क्या है माहियत क्या है इन शस्ट लेवल में पढ़ेंगे उसके लिए मुकदमत दरकार हैं अगर हम उन मुकदमात को तय नहीं करेंगे तो हमारा इल्म कसब करना एक तरीके से बेफायदा हो जाएगा मैं यहाँ पर एक बात को खुलासे के तौर पर अर्ज़ करके आगे बढ़ता हूँ पढ़ता हूँ मुकदमे के अंदर किताब के अंदर क्या बयान किया गया है देखिए हमारा जो मुकदमा होता है यानी जो हम मुकदमा तय करने वाले हैं जो इल्म हासिल करने के लिए हमें आदाब की ज़रूरत है इन आदाब की है ये एटिकेट्स जो हैं इल्म हासिल करने के एक मतलम के एक स्टूडेंट के ये दो तरीके के होते हैं इस कहते हैं कि कभी कभी एक आदाब का एक पहलू ये होता है कि आपके पास कौन कौन सी रविश है कौन कौन से उसलूब हैं कौन कौन सी आपके पास स्किल्स हैं और एक मरतबा एक ये चीज़ होती है कि इन स्किल्स के साथ साथ आपके पास एक मानवी और रूहानी जो उसका जाविया होता है वो भी मौजूद है मौजूद नहीं है क्या आप अपने आप में पूरी तरीक़े से सीरियस हैं इल्म हासिल करने में आ, आ, सीरियस नहीं है जाहिर सी बात है जो सीरियस नहीं है उसको उस तरीके से हासिल नहीं हो पाएगा जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है स्ट्राइव कर रहा है मेहनत कर रहा है काविज कर रहा है अगर वो मजाक में मेहनत कर रहा है तो उसको वो मकसद हासिल नहीं हो पाएगा कि जो उसको हासिल करना चाहिए उसको सीरियस रहना पड़ेगा अगर वो मजाक में भी है तो उसको सीरीस रहना पड़ेगा तो लिहाजा जिदीत जो होती है वो क्या होती है बहुत ज़रूरी होती है मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान अपने अंदर एक इरादा और आज़्म नहीं रखता है तो वो काम नहीं कर पाएगा तो ये क्या है ये रूहानी पहलू हैं हो सकता है आपको पता है कि किताब क्या है हो सकता है आपको पता है कि बोर्ड क्या है प्लानिंग क्या है ऑर्गेनाइजिंग क्या है सब कुछ पता है आपको लेकिन आपके अंदर वो शौक़ नहीं है आपके अंदर वो इरादा नहीं है आपके अंदर वो जिद्दीत नहीं है आपने सही फ़र्द को इंतखब नहीं किया है तो जाहिर सी बात है या आप इधर से गिर जाएंगे जो आपके रूहानी पहलू हैं या आप उधर से गिर जाएंगे जो आपके टैक्टिक्स और स्किल्स इसके जहाँ पर आपको ज़रूरत है हालांकि जो किताब आपके सामने पेश की जा रही है आदाबलमतिन जान लीजिए कि ये एक बहाना है कि जहाँ से हम लोग जो जो रविश और जो नहज और जो उन्होंने तरीक़ार अपनाया है इसको एक असास और एक मबना करार एक बुनियाद करार देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही बातें इन तक के रुक जाएंगे बल्कि इससे आगे भी चंद कदम बढ़ेंगे कि जहाँ पर अगर पॉसिबल हो पाया अगर मुमकिन हुआ तो आपके सामने वो स्किल्स और टैक्टिक्स को भी बयान करना है कि जो एक मतम के लिए ज़रूरी है जिसको आप कह सकते हैं कि हमें एक तरीके से एजुकेशनल प्लानिंग की ज़रूरत होती है एक तरीके से एजुकेशनल आ, एक तरीक़े से ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत होती है कि जो अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिस ज़माने में ये किताब लिखी गई है उस जमाने में शायद इतना ज़्यादा इन चीज़ों का रवाज नहीं था लिहाजा इसी किताब के अंदर इन्हीं बातों के ज़मन में आ, साहिब किताब किताब ने कुछ इशारात किए हैं लेकिन बहरहाल उस तरीक़े से जो इन दोनों चीज़ों को अलग करके मुकम्मल इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताकर इनको बयान किया जाए उस तरीके से नहीं किया गया लेकिन बहरहाल जो आ, किताब के अंदर बयान किया गया इसको हम लोग बुनियाद बनाकर आगे बढ़ेंगे इन देखते हैं कि आ, ये काम ये जो मकसद है हमारा ये जो सैर है ये जो हमारी आ, एक सफ़र है जो आपके साथ होने वाला है ये कहाँ तक के पहुँचता है जो किताब आपके सामने हाजिर है मशहूर ये है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन नसरुद्दीन जो थे उन्होंने इस किताब को लिखा है कि जिन्होंने बहुत सी दूसरी किताबें भी लिखी हैं आपको पता होगा कि शेख तो जब कहा जाता है तो दो लोगों की आ, दो लोगों का नाम जहन के अंदर आता है एक शेख तूसी वो हैं जो शेख उ कहलाते थे, थे वो काफ़ी पहले हुआ करते थे लेकिन ये किताब जिसने लिखी है वो शेख उ नहीं बल्कि नसरुद्दीन तोसी हैं हालाँकि ख्वाजा नसीरुद्दीन तो भी तोस के रहने वाले नहीं थे असल वो कुंभ के रहने वाले थे लेकिन वो तोस चले गए थे मशहद की तरफ़ चले गए थे वहाँ पर काफ़ी अर्सों तक उन्होंने अपना वक्त गुजारा था लिहाजा उनके उन्होंने उनका नाम भी तो पड़ गया और उनको ख्वाजा नसीरुद्दीन नसरुद्दीन के नाम से बहुत ज़्यादा याद किया जाता है ख्वाजा नसीरुद्दीन तोी एक ऐसी शख्सियत है कि जो जोफ़नून है यानी ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ख़ास फील्ड में ही ख़ाली उन्होंने कलम उठाया हो या कदम उठाया हो बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मरा में मुख्तलफ़ मयादीन में मख्तलि फ़ील्ड्स में उन्होंने आकर अपना क़लम उठाया है और वो बातें लिखी हैं कि जो आम तौर से नहीं लिखी जाती हैं और उनकी कई किताबें खाली यही नहीं है बहुत सी किताबें मुख्तलिफ मुख्तफ़ा इरफान वगैरह के अंदर भी उनकी किताबों को इस्तेमाल किया जाता है और उनको एक उस्ताद अल इतलाक माना जाता है कि जो मुआसिर थे अल्लामा अला के और बहुत ज़्यादा उनका आपस में ताल्लुक़ भी था हम लोग उनकी इस किताब को शुरू करते हैं कि जिसका है बस्मिल रहीम किताबोल मतम क्योंकि आप दुरू से हौजवी को सुन रहे हैं क्योंकि आप इस वक्त हौज़े के एक दर्स को अपने जहन में जहन नशीन कर रहे हैं लिहाजा बहुत बेहतर है कि आप गौर करें कि इस किताब के अंदर क्योंकि अरबी में है और आपके सामने मतन भी पढ़ने वाला हूँ आप कोशिश करें कि अपनी जो इल्म नहव और इलम सरफ़ का जो आपके पास इलम मौजूद है जो आपने इससे पहले शायद पढ़ा हो उसको भी यहाँ पर जहाँ तक के मुमकिन है उसको आप अपने तौर पे इसके अंदर जारी करने की कोशिश कीजिए किताबिल मुताल बहरल मैं तज्जे और तरकीब की जो इल्म है वो सर्फ़ के लिए किया जाता है वो आपके सामने अंजाम नहीं देना चाह रहा हूँ लेकिन बहरल आप इसके बोर कीजिए जो एराब पढ़ा जा रहा है वो बहुत अहम है बिसमीम अब साहिब किताब की इबारत शुरू होती है कि जहाँ पर वो आकर मुख्तलफ़ बातों को इन बयान करेंगे आपके सामने और इन बातों के ज़िमन में आकर वो जो आदाबलमतम है उनको आपके जहन तक के पहुँचाएँगे ये किताब है किसकी आदाबलमतम की आदाब का मतलब आदाब जमा है अदब अदब का मतलब होता है किसी चीज़ का तौर तरीक़ा हम लोग आम से अपनी ज़बान उर्दू के अंदर इस बात का इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ शख्स के पास अदब है फ़लाँ के पास अदब नहीं है मसला लुकमान के हवाले से मिलता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आदाब के ऊपर गुफ्तू की है कि इस चीज़ का अदब ये है इस चीज़ का अदब ये है या बुनैया या बुनैया या बुनैया बहुत इसके हवाले से तो अदब और आदाब का मतलब होता है एटिकट्स का अदब और आदाब का मतलब होता है तौर तरीक़ों का यानि आप जो uh, काम करना चाह रहे हैं जो आपका मकसद है इसका अदब क्या है इसका तौर तरीक़ा क्या है ये इम्पॉर्टेंट uh, है कि हम उस तौर तरीक़े को मद्द नज़र रखते हुए उस काम को अंजाम दें वरना अगर हम तौर तरीक़े को मद्द नज़र ना रखें ऐसे ही उस काम को अंजाम दें हो सकता है कि हमने काम तो अंजाम दिया है वो काम अंजाम पजीर हो गया है लेकिन जिस तरीक़े से उस काम को मुअसर होना चाहिए था उस तरीक़े से मुअसर नहीं हो सकता है बहुत से टाइम पे हम लोग एक बात को बयान करें और हम कहेंगे देखिए ये बात इस तरीके से है लेकिन अगर उस बात से पहले हम एक मुकदमा बयान करें कि देखिए इस बात को बयान करने वाला शख्स जो है फर्स्ट कीजिए आप एक घर बना रहे हैं और घर बनाते बनाते एकदम से एक शख्स आता है और कहता है देखिए आप जो घर बना रहे हैं उसको ये दीवार जो यहाँ से जा रही है ये गलत जा रही है आपके घर के नक्शे को ख़राब कर देगी आप ये दीवार यहाँ पर नहीं यहाँ पर बनाइए तो हो सकता है आप एकदम से पलट के कहें कि भाई तुम कौन हो इस बात को बोलने वाले हम घर बना रहे हैं हम जैसे दिल चाह रहे हैं वैसे घर बनाएंगे लेकिन अगर हम पलट के ये कह दें कि ये बात जिसने आप तक के पहुंचाई है वो इस फील्ड का माहिर है वो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने ये कहा है वो एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है और उनको बहुत लोग पसंद करते हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं अब जब मैंने ये मुकदमा बयान कर दिया तो एकदम से सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ अगर किसी स्पेशलिस्ट ने इस बात को कहा है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम लोग इस प्रॉब्लम को सही कर लें ताकि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं अपने मकसद में बनाफ़ अहसन पहुँच जाएँ अच्छे तरीके से पहुँचें नसूल गलाम्ल सल्हल फरमाते हैं कि अगर इंसान कोई काम कर रहा है अगर मुमिन एक काम करता है तो वो उसको अतकन हो व अहसन हो उसको मुतकन तरीके से अंजाम देता है अहसन तरीक़े से अंजाम देता है देखिए उस शख़्स ने एक बात बयान की अगर वो बग़ैर अदब के बग़ैर आदाब के उस बात को बयान करता आदाब क्या है कि उसका एक मुकदमा बयान कर दिया जाए वहाँ पर अहमियत एक चीज़ की बयान कर दी जाए उसके बाद उस चीज़ को बयान किया जाए अदब ये था अगर हम उस आदाब की रियायत ना करें तो उसकी बात वहां पर पामाल हो जाएगी लेकिन अगर हम आदाब की रियायत करके बयान कर रहे हैं तो वही बात सेम बात है एक मरतबा आदाब के साथ बयान की जा रही है एक मरतबा गैर आदाब के बयान की, की जा रही है जहां पर आदाब के साथ बयान की जाए वो क्या है मौसर वाक़ हो रही है एक और मिसाल ले लीजिए आप फर्ज कीजिए एक क्लास है बच्चों का आप बच्चों के लिए क्लास रख दें रात को तीन बजे हम क्लास रखें अब आप बताइए अल्लाह ने रात को आराम करने के लिए बनाया है रात के तीन बजे अगर हम एक एक क्लास रख देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा कि रात के तीन बजे सब के सब जो जो लोग क्लास में पढ़ने के लिए आएंगे, सब सबके सब सो रहे होंगे लिहाजा हमारी बात बहुत अच्छी होगी फ़र्ज़ कीजिए हम जो बातें बयान कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बातें बयान कर रहे हैं लेकिन हमारी ग़लती ये है कि बात को बयान करने का जो वक्त है बात को बयान करने का जो अदब है हमने इस अदब की रियायत नहीं की है हमने रात को तीन बजे क्लास रख दिया है तो रात को तीन बजे सोने का टाइम है पढ़ने का टाइम नहीं है अब जब हम कोई बात बयान करेंगे तो वो बच्चे वो स्टूडेंट्स के जो हमारी बात को सुन रहे हैं उनकी आंखों में नींद है अब वो जितना भी उनको बयान करते जाएं वो समझ नहीं पाएंगे वो सो रहे होंगे तो लिहाजा अदब की रियायत ना करने से अगर अल्लाह में दहर भी आकर आपके सामने उस दर्श को बयान करेंगे आप तो उस दर्श को नहीं समझ सकते उस दर्श को दर्क नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि अदब की रहायत की जाए कि नहीं हम अगर क्लास रखें दर्स रखें तो उस वक्त पर रखें जो वक्त मुनासिब है दर्स के लिए हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे उन्होंने एक दिन हम लोग का एक दर्स था कि जो एक प्रैक्टिकल यानि इतलाक़ी दर्स था उस प्रैक्टिकल दर्स के अंदर उन्होंने एक दिन ये कहा कि आज सब लोग खाना हमारे साथ खाइएगा खाना हम लोग उनके साथ खाने लगे और खाना खाने के बाद उन्होंने एकदम से कहा कि एक तरबूज ला के हम लोग के सामने रखा जाए उन्होंने तरबूज सामने रखा और कहने लगे कि तकरीबन एक दस बारह लोग क्लास में थे कहा कि इस तरबूज को बग़ैर छीले ऐसे ही अगर कोई खा जाए पूरा का पूरा तरबूज काफ़ी बड़ा तरबूज पूरा खा जाए तो मैं उसको इतने रुपए इनाम दूंगा सारे जितने भी वहाँ पे तालब इलम थे सब लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता इतना बड़ा तरबूज है इसको एक शख्स कैसे खा जाएगा अच्छा तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर उन्होंने तरबूज को काटा और तरबूज के जो पीसेस होते हैं जो टुकड़े होते हैं उन पीसेस को सामने रखा लेकिन उसको छीला नहीं मतलब उसका छिलका जो होता है तरबूज का उसको नहीं उतारा हम लोग अभी भी उस बात को सुन रहे थे हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद एक कोई पैगाम या कोई नतीजा निकलने वाला है उन्होंने कहा कि अब तरबूज आप लोग के सामने रखा है टुकड़े टुकड़े हो चुका है जो शख्स ये सोच रहा था कि इतना बड़ा तरबूज एक इंसान कैसे खाएगा क्या अब आप लोग खा सकते हैं एक एक इंसान तो हम लोग कहा जी हम लोग खा सकते हैं एक टुकड़ा है इसको खाने में कितना टाइम लगेगा कहने लगे कि नहीं मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग इस तरबूज को छिलके समेत खा सकते हैं अब यहाँ पर सब लोग दोबारा परेशान हो गए कहा कि नहीं हम लोग तरबूज तो खा सकते हैं लेकिन छिलके समेत नहीं खा सकते हैं छिलके समय नहीं खा सकते हैं क्यों नहीं खा सकते हैं? हम लोग का छिलका हम लोग के खाने की चीज नहीं है पहले जरूरी है कि इस छिलके को निकाल कर इस तरबूज को खाने लायक बनाया जाए चाहे वो मकदार के एतबार से हो चाहे वो खुद अपनी कैफियत के एतबार से हो मकदार के लिहाज से इतना बड़ा तरबूज एकदम से हम नहीं खा सकते हैं यह भी बात वाजह है चाहे उस अपने तरबूज उसका एक टुकड़ा उन्होंने ला के रखा है सामने कि जो खाने की मकदार के, के लिहाज से काफ़ी है हमारे लिए हम खा सकते हैं लेकिन वो क्योंकि तैयार नहीं है छिलका है उसके ऊपर लिहाजा फिर भी नहीं खा सकते हम तो आप गौर कीजिए अगर किसी चीज के आदाब की रायत ना की जाए तो वो तरबूज के जो आप बहुत आराम से खा लिया करते हैं वो भी आप नहीं खा पाएंगे आप कहेंगे छिलके के साथ तरबूज नहीं खा सकते हम क्योंकि उसके आदाब रियायत नहीं किए गए हैं उसका अदब यह है कि छिलके को अलग किया जाए क्योंकि छिलका इंसान नहीं खाता है आमतौर से तो अब इंसान खा सकता है तो देखिए गौर कीजिए अगर आदाब हैं तो इंसान खा सकता है तो उसद ने हम लोग से कहा कि देखो इल्म मुंतकिल करना या इल्म हासिल करना इसके अंदर ये शर्तें बहुत लाजिम होती हैं अगर एक उस्ताद आकर तमाम का तमाम तरबूज समझ लीजिए ये पूरा इल्म है अगर मैं पूरी की पूरी किताब आपसे कहूँ एक के पीछे एक फ़ौर अभी सुन लीजिएगा आप कहेंगे मैं नहीं सुन पाऊंगा अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये किताब आपसे बयान कर रहा हूं आप जबान जो समझते हैं वो फ़र्ज कीजिए उर्दू है इंग्लिश है मैं आपसे किसी और जबान में अरबी में इस किताब को पढ़ाना शुरू कर दूँ आप कहेंगे मैं फिर भी नहीं समझ पाऊंगा भले ही आप आधे घंटे बयान करेंगे लेकिन अरबी में बयान कर रहे हैं क्या फ़ायदा है तो लिहाजा अगर आदाब की रहायत ना करें सही वक्त की रियायत ना करें सही नीयत की रियायत ना करें सही उस्ताद का इंतखाब ना करें तो लिहाजा जितनी भी अच्छी चीज़ हो हम उसको आ, हासिल नहीं कर सकते लिहाजा इस किताब के अंदर हमें वो आदाब बताए जाएंगे कि जो एक मुतालिम के ऊपर ज़रूरी है स्टूडेंट के ऊपर ज़रूरी है मुताल जमा है मुतालिम की मुतालिम कहते हैं उस शख्स को कि जो आ, इल्म हासिल कर रहा है इस इल्म हासिल करने वाले शख्स को कुछ आदाब की रहायत करनी पड़ती है कि जन शह इस किताब के अंदर आपके सामने बयान करेंगे बयान फरमा रहे हैं कि अला अलाही व नश्र अला नमाही अला सैद अम्बिया व खैर असिया कह रहे हैं हम लोग हमद करते हैं सना करते हैं तारीफ़ करते हैं उस अल्लाह की अला नेमतों के ऊपर उन बख्शिशों के ऊपर उन चीज़ों और बाउंडीज़ के ऊपर के जो अल्लाह ने नामती हैं वह नशकर हुआ ही और उन नेमतों पर हम शिक्र अदा करते हैं वह सलात वसलाम और सलवात हो और सलाम हो अला सैद अम्बिया ही अम्बिया के दरमियान जो सैदरदार हैं हज़रतमी मरतबली वम वैर अवसियाही और उनके अवसिया में जो बेहतरीन हैं यानी वो मासूमी के जो बेहतरीन हैं उनके ऊपर भी अल्लाह त शलवा और सलाम हो आप देखें एक एक तरीके से वो जो रहायत अविर जुमल हैं जुमलों का जहाँ पर जुमले ख़त्म हो रहे हैं उसकी रियत कर रहे हैं ये फ़िन में से हुआ करते थे पुराने के फ़नून में से कि वो हमेशा इन चीज़ों की बहुत रियत करते थे व बदू यानी जो मुकदमा है इसके बाद एक तमहीद के तौर पर बयान कर रहे हैं फ़िकसर बिल्म لا يتيسر لهم التحصيل इन اجتهدوا कह रहे हैं बहुत से ऐसे तालब इल्म है कि जिनके लिए लात يتيسر لهم التحصيل उनके लिए तलब इल्म तहसील इल्म, जो इल्म हासिल कर रहे हैं एजुकेशन जो वो कर रहे हैं उनके लिए हासिल नहीं हो पाती है मुयसर नहीं हो पाती है व इन जितनी भी वो मेहनत कर लें क्या बिल्कुल वो नहीं समझ पा रहे हैं नहीं कुछ ना कुछ, कुछ तो समझ रहे होंगे इसका मतलब ये कि सही माना में नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि जिस तरीक़े से समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहे हैं वला ही व इनत गलू वो, इन वो मशगूल रहते हैं वनतगलू बहुत मशगूल रहते हैं सुबह से लेकर रात तक के पढ़ा करते हैं लेकिन वो इल्म के फ़ायदे को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इल्म का फायदा ये है कि इंसान उसके जो उसके असरात हैं उसके अंदर नुमाया होना चाहिए वो पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं लेकिन असरात उनके अंदर नहीं दिख रहे इसका मतलब यह कि हकीकी फ़ायदा जो है उससे वो इस्ता नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने अब रीज़न बता रहे हैं कि भैया बहुत से तालब इलम है ऐसे कि जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं क्या रीज़न है रीज़न ये हैिलत यह है इल्लत कि उन्होंने रास्ता ग़लत इंतख्य कर लिया है उन्होंने उसलूब गलत गलत इंतखब कर लिया है अगर सही रास्ते को मंतख किया होता तो उनको ये ये गलती पेश नहीं आती ले अख्त तरीका हो क्योंकि उन्होंने इल्म का जो तरीक़ा है उसके अंदर उन्होंने ग़लती कर दी है व तरकू और उन्होंने इल्म के तलब करने के जो शराब हैं म के तलब करने के जो कंडीशन हैं उनकी रियायत नहीं की उनको तर्क कर दिया है अर्ज़ किया मैंने फर्ज कीजिए अगर इल्म के को हासिल करने का वक्त यह है कि सुबह के वक्त इल्म हासिल किया जाए तो वो रात के नीमे नीमे शब और निसफ शब में जाकर बैठ के इल्म हासिल करने लगे ठीक है एक दिन दो दिन ठीक हो जाता है हो सकता है एक दो दिन इंसान के लिए प्रैक्टिकल हो जाए लेकिन बाद में अगर आपकी आप, आपका तरीक़ार ही यही बन जाए आपका उस लोभ ही यही बन जाए तो लिहाजा वहाँ पर वो जो फायदा इल्म का हासिल होना चाहिए वो हासिल नहीं हो पाता है वकुल तरीक और ये जान लीजिए कि जिसने भी रास्ता गलत इख्तियार किया जिसने भी रास्ता जो भटक गया मकसूद कह रहे जिसने भी रास्ता गलत मंतखब किया गलत किया और रास्ता भटक गया वो कभी भी अपने मकसद तक के नहीं पहुँच सकता है आपको जाना ऐसे था आपने ये रास्ता इंतखब कर लिया अब जाहिर सी बात है आप जितने भी आगे चले जाएँगे आप अपने मक़सद से दूर होते जा रहे हैं मकसद के करीब नहीं आ रहे हैं अरत तो नीक तो अब जब मैंने ये देखा यानी शेख तुसी बहन फरमा रहे हैं ख्वाजा तुसी बैन फरमा रहे हैं कि अब जब मैंने ये देखा कि बहुत से ऐसे तलब इम हैं कि जो तलब इल्म के लिए आकर मेहनत कर रहे हैं तलब इल्म में मशगूल हैं सुबह शाम अपना वक्त लगा रहे हैं लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना उनको फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो मकसूद तक के नहीं पहुंच पा रहे हैं जो उनका टारगेट है वहाँ तक के नहीं पहुँच पा रहे हैं तो लिहाजा मैंने इरादा किया देखिए ये एक मरल वो होता है कि जहाँ पर इंसान एक तकल्लुफ़ और तारुफ और मुजामलात में मसरूफ होता है वो तो कहता है नहीं आप ज़्यादा औला हैं आप मेरे पास तो कोई इल्म नहीं है मेरे पास तो ये नहीं है मैं किताब लिख के क्या करूँगा मैं दर्ज पढ़ा के क्या करूँगा मैं तबलीख करके क्या करूँगा मजलिस पढ़ना तो बुज़ुर्गों का काम है ये एक तरीक़े का तकलफ़ है कभी कभी होता है कि इंसान को तकल्फ अलग रखना होता है हाँ एहतराम अपनी जगह पर है इनके सारी अपनी जगह पर है लेकिन जहाँ पर किसी जगह पर किसी जरूरत आ, का एहसास हो रहा है जहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक चीज़ की जरूरत है देखें ख्वाजा नसीर तुसी तूसी ने देखा कि भाई कुछ तालब इल्म हैं कि जो अपना वक्त तो लगा रहे हैं लेकिन उनको फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है लिहाजा अर्त तो जनाब यूसुफ की रद को देखिए जनाब यूसुफ कह रहे हैं कि एजनी वो बादशाह से कह रहे हैं कि तुम मुझे ख, आ, क्या बना दो अजीज़ मिस्र बना दो भाई जनाबी यूसुफ़ हैं अल्लाह ताला के नबी हैं उनको तो वहाँ पर इंकिसारियों तोज़ु करना चाहिए था आप जाकर दुनिया के काम के लिए क्यों कह रहे हैं कि मुझे वो बना दो नहीं क्योंकि यहाँ पर वो देख रहे हैं कि ये काम मेरे ऊपर ज़रूरी है ये काम वो काम है कि जो अल्लाह के बंदे उनको भी इस वक्त ज़रूरत है ये काम वो काम है कि जिसको मैं ही काम इस इस काम को अगर नहीं करूँगा एक तरीके से वाजिब किफाई है दूसरा कौन करेगा कर फिर लिहाजा बाज़ वक्त ये होता है कि हम लोग को तकलफ़ और तोज़ो और, और इनकिस को अलग रख कर अपनी जिम्मेदारी परमल करना चाहिए देखिये क्या कह रहे हैं कि अरतान उबैन तो लिहाजा मैंने इरादा किया कि मैं बयान करूँ मैं किताब लिखूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है गुमराह हो रहे हैं अब अगर यहाँ पर तकल्लफ़ तक, तारफ़ लगा रहेगा कि मैं कहूँ कि नहीं अब मैं तो कुछ नहीं हूँ और बुजुर्गान हैं और वो हैं और वमह हैं और वो आकर बयान करेंगे इन शाह तो फिर ये किताब कभी भी हमारे सामने नहीं आती इतने इसके फ़वाद कभी हमारे सामने नहीं आते अरत्यन लिहाजा मैंने इरादा किया कि मैं बयान करूँ तरीक़त के पढ़ाई लिखाई का तरीक़ा क्या होता है मैं बयान करूं कि तुम का एजुकेशन कैसे करनी है आपको देखिए उस जमाने में आदाबालमत बता रहे हैं एजुकेशन का तरीक़ा एजुकेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग बता रहे हैं कि कैसे करें आज की कोई नई जो आजकल वेस्टर्न दुनिया में आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा वो लोग अपने तरीक़ेकार के ऊपर अपनी स्किल्स पर इन पर ध्यान देते हैं काम करते हैं आप ये ना समझें कि ये लोग जो काम कर रहे हैं उन्होंने तो कोई एक नया इनोवेशन या इन्वेंशन कर दिया नहीं हमारे उलमा पहले ही काम कर रहे थे हम रास्ता भटक गए हैं कि जो हम लोगों ने ये काम छोड़ दिया है अला सबीर लिखतसार लेकिन ये मद्देनज़र नज़र है कि इख्तसार के तौर पे कर दें हो सकता है कि उनको ये महसूस हो रहा हो कि नहीं ये काम किसी और का है कि जो आकर वो लिखे लेकिन क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई नहीं लिख रहा है लिहाजा मुझे लिखना पड़ रहा है अला मार तो फिल किताब जैसा कि मैंने किताब में देखा है पर किताब यहाँ पर जिन्होंने जिक्र किया है वो कह सकते हैं कि दूसरे जो ने किताबों में कहीं कहीं पर इशारे इशारे किए थे उनको देख कर उनका खुलासा करके और अपनी कुछ बातों को पेश कर रहे हैं शेख तुसी या हो सकता है कि इनका मकसूद हो कि जो मैंने सुना, किताब उस सुनकर यानी किताब इलाही के अंदर जो हिदायत देखी हैं तालुम के हवाले से क्योंकि बहरल हम लोग के पास उसके अंदर भी तालुम के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर आप जनाब खेज राय उसका राबदा देख लीजिए जनाब लुकमान की हिदायत देख लीजिए हम लोग उसके हवाले से भी बहुत सारे बातों को त्लम के तौर पर वह, वहाँ से निकाल सकते हैं वह समय अतोमिनतीज़ी और वो बातें कि जो मैंने अपने इसे सुनी हैं उन दोनों की बुनियाद पर मैंने आकर इस किताब को लिखने का इरादा किया है वो इस के जो उल्म के जो साहिब इलम थे अब यहाँ पर यह कैद क़ैद ही भी हो सकती है क़ैद एहतराजी भी हो सकती है यानी वो इस जो साहिब इल्म थे यानी तमाम के तमाम इसब इम थे मैं खाली तोज़ी देना चाह रहा हूँ कि हाँ वो स्पेशलिस्ट थे इस, 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 इस चीज़ में आप ये ना समझें कि मैं ऐसी बात बता रहा हूँ आप Gefilm, ये भी कह सकते हैं कि कैद एहतराजी है यानी हो सकता है कि इसजा के दरमियान कुछ ऐसे भी हुआ करते थे कि जिनके पास हो सकता है इतनी मकदार में इम वाफिर ना हो लेकिन जिनके पास इल्म था उनसे लेकर मैं आपको बता रहा हूँ या हो सकता है कि कुछ इस फील्ड में इल्म नहीं रखते थे किसी और फील्ड में इल्म रखते थे तो जिनको इस फील्ड में इल्म था मैं उनसे लेकर आपके सामने बयान कर रहा हूँ वाहमोफिकम यहाँ पर देखें मुफ़िक है इसमें फ़ाइल का सीखा पड़िएगा कि तोफ़ीक देने वाला कौन है अल्लाह ताला है और मदद करने वाला भी अल्लाह है फुबैन अलमकसद फ़ी फिन शत्ता तो लिहाजा मैं अपने मकसद को कुछ फसूल के ज़िमन में आपके सामने बयान करूँगा जो फ़सू उन्होंने यहाँ पर बयान की हैं वो बारह फसलें हैं कि जिसके अंदर पहली फ़सल के अंदर माहियत इल्म और फजीलत इल्म के हवाले से कि इल्म है क्या उसके बाद नीयत के हवाले से बयान फरमाया है उसके बाद फिर इल्म कौन से इल्म से अपनी इल्म के सफर की इब्तः की जाए आगाज़ किया जाए किस उस्ताद को इंतखब किया जाए उसके बाद पढ़ाई लिखाई के अंदर जद्दीत और बहुत ज़्यादा सीरियस होना ये इस, इस हवाले से बातों को बयान किया है कितना पढ़ें मकदार इल्मना हो मकदार दर्ज कितना हो इसको पाँचवीं फसल में बयान किया है फिर छटी फसल तोल के हवाले से सातवीं फसल तहसील का वक्त क्या होना चाहिए इसके हवाले से है और आठवीं फ़सल जो बयान की है वो नसीहत वगैरह के हवाले से है नवी फसल के अंदर इस्तफा किस तरीके से इल्म से करना चाहिए इसके हवाले से बयान किया है दसवीं फसल के अंदर वरा के हवाले से बयान किया है कि इल्म करने में वरा इख्तियार करना चाहिए दसवीं फसल के अंदर हफ् और नसी के ऊपर किया है किस तरीके से अपने महफूज को बाकी रखें किस तरीके से नसीान से दूरी करें और आखिरी फसल के अंदर उन्होंने रिज़्क के हवाले से बात की है कि कहाँ से अपना रिज्क ज़्यादा किन तरीक़ों से रिज्क को ज़्यादा किया जाए और रिज़्क कम होने हो जाने के कौन से इसबाब हैं कि जिनसे दूरी इख्तियार की जाए ये खुलासा है इस मुकदमे का कि जो आपके सामने बयान किया गया हालाँकि पुराने की सीरत ये थी कि वो रू से सामानिया बयान किया करते थे कि इलम का मौजू क्या है इलम का मकसद क्या है इल का वाज़ कौन है मुालफ़ किताब कौन है वगैरह वगैरह इस किताब के अंदर इतने इतनी वजाहत से इन बातों को बयान नहीं किया है क्योंकि इख्तसार मद्दनज़र है लेकिन जितनी बातें बयान की हैं वो ज़रूरी बातें थीं आज के जलसे को इन तक रखते हैं इन शजी आगे के जलसों में आपके सामने बातों को बयान करेंगे वालक वरहल वबरक